हाय बच्चों, क्लास टू का मैथ्स सब लोग वीडियो देख रहे हैं ना। तो मैंने आप सबको पूरा ऐड पढ़ा दिया, एडिशन पढ़ा दिया, एडिशन फैक्ट पढ़ा दिया, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज आप एडिशन में पढ़ा दिया, कैरी का एडिशन पढ़ाया, नॉर्मल एडिशन पढ़ाया। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम। क्या देखेंगे? एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक आप लोगों ने जो किया वो क्या था? सिर्फ नंबर का प्रॉब्लम था। क्या था? नंबर को ऐड करना था। लेकिन अभी क्या आ गया, इसमें वर्ड आ गए। देखिए क्वेश्चन आ गए ऐसे ऐसे, आप लोगों को करना है ऐड ही करना है, लेकिन इस मेथड से ऐड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, देयर आर 415 बॉयज एंड 658 गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 415 बॉयज और 658 गर्ल्स हैं, ठीक है। मतलब कि एक स्कूल में 415 लड़के और 658 लड़कियां हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए दिया नंबर ऑफ बॉयज, कितने वहां पे लड़के थे, 415 ये लड़के हो गए, ठीक है। अब वहां पे लड़कियां कितनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 658, ठीक है। टोटल स्टूडेंट, टोटल का मतलब क्या होता है, ऐड होता है, दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 5 और 8 कितना होता है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 415 एंड 658, ठीक है। क्या करिए, हम इसको ऐड कर दिए। 5 8 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है ये 13, मैंने आप सबको बताया था कि 13 में जो ये 1 का नंबर होता है, 1 के प्लेस में नंबर होता है, हम लोग वही लिखते हैं। और 10 के प्लेस का नंबर क्या होता है, यहां पे कैरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये 1 क्या हो गया, यहाँ पे कैरी हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया, और 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट नंबर कितना है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 1073, कितने हो गए, 1073, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में, देयर आर 2187 मैन, वहां पे 2187 आदमी हैं, 1946 वुमेन एंड 4846 चिल्ड्रेन। वहां पे 1946 औरत हैं और 4846 क्या है, बच्चे हैं, क्या है, बच्चे हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, वहां का पूरी जनसंख्या, मतलब पूरा जनसंख्या कितना है। तो सभी को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को बना करके तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अभी देखिए मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मैन, वहां पे आदमियों की संख्या कितनी थी, 2187, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वहां पे वुमेन कितने हैं, 1946, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू कितना है, वहां पे 4846। देखिए मैंने सभी को क्या किया, ऐड कर लिया, ये मेरा 1 हो गया, ये 10, ये 100 और ये 1000, ठीक है। या हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको क्या करना है, बस ऐड करना है, ठीक है। देखिए 7668441982 14, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ऐड करेंगे तो 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। 13 और 6 देखिए, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, क्या हो जाएगा, 19। अब इस 19 का 9 हम यहां पे लिखते हैं और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है।
एट और वन कितना हो गया नाइन, और नाइन फोर थर्टीन फोर सेवनटीन, देखिए सेवनटीन हो गया। अब सेवनटीन का हम लोग क्या लिखेंगे, सेवन लिखेंगे, वन मेरा कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेवन लिखा और ये वन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। वन वन टू, टू नाइन इलेवन, और इलेवन एट नाइनटीन, क्या हो जाएगा देखिए, इलेवन एट नाइनटीन, नाइनटीन का नाइन लिखेंगे, वन क्या हो जाएगा कैरी। तो यहाँ पे मैंने नाइनटीन का वन नाइन लिखा और वन क्या हुआ कैरी हो गया, ठीक है। तो टू वन थ्री, थ्री वन फोर फोर एट, तो वहां की पूरी पूरी पॉपुलेशन कितनी है, कितनी है 8979। ये क्या हो गया टोटल पॉपुलेशन, क्या हो गया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया टोटल पॉपुलेशन हो गया वहां की पूरी जनसंख्या। फिर से एक बार देखिए, सेवन सिक्स थर्टीन सिक्स नाइनटीन होता है, कितना होता है नाइनटीन का हम लोग नाइन लिखेंगे, वन कैरी हो गया। फिर वन एट नाइन हुआ, नाइन फोर थर्टीन फोर सेवनटीन का सेवन लिखेंगे, वन कैरी हुआ। वन वन टू नाइन इलेवन एट नाइनटीन, वन कैरी हुआ। वन टू थ्री, थ्री वन फोर फोर एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 436 सीट इन बालकनी। एक सिनेमा हॉल में जो बालकनी की सीट है वो कितनी है 436, ठीक है। एंड 1440 सीट्स इन इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास की कितनी सीट है 1440। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द सिनेमा हॉल, तो उस सिनेमा हॉल में टोटल कितनी सीटें हैं, यानी कि पूरी की पूरी कितनी सीट है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ सीट्स इन बालकनी इज इक्वल टू कितना है 436, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास, क्या है इकोनॉमी क्लास इज इक्वल टू कितना है वहां पे 4000, देखिए ये जीरो ये फोर और ये वन, ठीक है, इज इक्वल टू। तो सभी को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, देखिए सिक्स का जीरो, थ्री का फोर, फोर का फोर और वन ये लास्ट में इसका। तो सिक्स का जीरो हमें ऐड करेंगे तो सिक्स ही आएगा, थ्री और फोर ऐड करेंगे तो सेवन आएगा, फोर और फोर ऐड करेंगे तो एट आएगा, और वन का वन ही लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। तो आई बात समझ में कि कैसे ये क्या हो गया टोटल सीट हो गया, क्या हो गया टोटल सीट, ये टोटल सीट हो गया आपका, हम लोग प्लस किए। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन आपके कितने बच रहे हैं, यहाँ पे फोर है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 37 पे, ठीक है। क्वेश्चन पेज नंबर 38 पे, 38 पे भी क्वेश्चन है आपका, और पेज नंबर 39 पे भी क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, और आप सबको पूरा पूरा 10 क्वेश्चन अपने अपने बुक पे, सॉरी अपने अपने कॉपी पे लगा लेना है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन के बारे में, हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ओके।